नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के लिए, वीडियो मिक्सिंग के लिए, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए एडिटिंग मशीन कैसे होना चाहिए, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, क्या प्रोसेस होगी, कैसे कैसे चीज़ें काम करेगा, क्या प्रोसेस किया जा सकता है, किस टाइप में बनाना चाहिए और आपको कौन सा चीज़ बेहतर लगेगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोस आप सभी को देखने को मिलेगी। यहां पर मैं कुछ चीजों को मेंशन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन नहीं दबाया है, उसको दबा लो यार, ताकि आपको एक्चुअल चीजें मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज आप तक पहुंच सकेगी। अब हम बात करते हैं कि फोटोशॉप में कौन सी मशीन की जरूरत है, कौन सी की नहीं है। अगर आप नॉर्मल वे में कोर टू डीओ या 3141 का मदरबोर्ड लगाते हैं, 61 का लगाते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर जो बनता है आपका, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम 4GB की रैम लगभग, बाकी कुछ भी नहीं, और हार्ड डिस्क 200GB 500GB रेंडमली कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटोशॉप 7.0 चल जाएगा, CS3, CS4, CS5 तक सॉफ्टवेयर चल जाते हैं कोर टू डीओ मशीन में, और आपको कोई भी परेशानी नहीं आती। लेकिन उससे ऊपर लेवल के सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना है तो आपको अपडेट करना होता है अपनी मशीन। अगर आप बात कर लो कि 2019 का फोटोशॉप CC को इंस्टॉल करना है तो आपके PC का स्पेक्स कुछ इस टाइप से होना अनिवार्य है। कम से कम आपका i5 होना मशीन, i5 के साथ साथ आपको 4GB वाला ग्राफिक्स कार्ड हो। ग्राफिक्स कार्ड के बाद में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, कम से कम 8-8GB की दो रैम हो या 4-4GB की दो रैम हो, 8GB हो कम से कम रैम, तो आपका PC काफी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। साथ में आपको SSD भी लगाना होगा और हार्ड ड्राइव भी लगाना होगा। हार्ड डिस्क अलग चीज है, SSD अलग चीज है। दोनों ही चीज में से दोनों एक एक चीज लगा लोगे तब जाके आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा आपका एडिटिंग PC मशीन। तो ये सारी चीजें, स्पेक्स अगर आपको चाहिए एडिटिंग करना चाहते हो वीडियो मिक्सिंग के लिए, इसके एडिटिंग के मशीन में आपको और भी हाई डेफिनेशन के कॉन्फ़िगरेशन यूज करना होता है, तो इन सारी चीजों को मिलाने के बाद आप वर्क कर पाएंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस आपकी मशीन देगी, कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली। तो बस यार, आज के इस टॉपिक पर सिर्फ यही चीज थी कि कैसे सवाल थे, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था, और तो और आपको अगर इन चीजों को नहीं समझ में आता है तो आप किसी भी हार्डवेयर कंप्यूटर शॉप वाले के पास जाओगे, वो बताएगा परफेक्ट स्पेक्स क्या है, कैसे चाहिए, कौन सा क्राम होगा, कौन कौन सी चीज हो सकती, और भी सारी चीजों को उसमें वो इंक्लूड कर देगा। तो देखिए यार, आपको लगभग 15,000 से लेके 45,000 की मशीन तक के में आप बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कितने की मशीन आप चाहते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप 20-25,000 की भी मशीन में अच्छा वर्क कर पाएंगे। तो बस यार, आज की इस बेसिक वीडियो में यही चीज थी। कैसा लगा यह जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तुरंत इंस्टाग्राम पे आओ, भाई बैठा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए हो कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आप आर्ट बालाघाट की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।